सबसे छोटे हम थे। हमारे पिताजी बहुत बचपन में गुजर गए, जो हम अपने पिताजी को नहीं जानते थे कि किस रंग का थे। आप कितना पढ़े हैं? हम तो बच्चा क्या बताए, वो पूछोगे तो चौथा पांचवा तक तो पढ़वे किए हैं। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज खोलने, क्योंकि ये बड़ी बात हो गई, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली? हमारी प्रेरणा हुई कि महाराज जी ये देश दिए थे जो सेवा करना, तो सेवा करने के लिए हमने सोचा जो सबसे सेवा है जो वह कोई विद्यालय बना दिया जाए, उसमें सब धर्म की लोग का सेवा होगा, सब धर्म वाले हिंदू मुसलमान ईसाई आने सब लोग आकर उसमें पढ़ेगा, तो वह सबको सेवा होगा। तो यह कॉलेज बनाना शुरू किया, और उसके पहले इलाहाबाद में कुछ बनाए थे। तो महाराज जी का आदेश था ये मन सेवा करना, तो सबसे बड़ा सेवा होता है ये महाविद्यालय बनाना, वह कॉलेज बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तब न जीव का सेवा होगा। यानि ऐसे सेवा क्या होगा, यानि दाल भात खिला देंगे एक दिन तो सेवा नहीं हुआ, एक कपड़ा वस्त्र दे देंगे तो सेवा नहीं हुआ, ये कहीं कनु सेवा किया। जनरल सेवा करना होगा मनुष्य को, तो विद्यालय बनाना होगा, आश्रम बनाना होगा, हॉस्पिटल बनाना होगा, धर्मशाला बनाना होगा, तालाब खुनवाना होगा। या जनरल सेवा के लिए मनुष्य का हर जीव का कल्याण करना होगा, हर मनुष्य का कल्याण करना होगा। सबसे बड़ी बात है, हम तो नहीं पढ़ा, चौथा पांचवा पढ़ा था, लेकिन सेवा करने के लिए जब हम महात्मा बन गए, तो महात्मा बन गए इसलिए सोचा जे हम अपने परिवार में रह कर आ सेवा नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना घर द्वार छोड़ दिया। घर द्वार छोड़ने के बाद महाराज जी का भी आदेश मिला जे सेवा करना, किसी प्रकार की सेवा ही धर्म है, सेवा ही से कल्याण होता है, सेवा से तुम्हारा यह जस फैलेगा, सेवा तो सेवा ही वही होता है जो विद्यालय बनाया। विद्यालय में आज हजारों विद्यार्थी हमारे के यहाँ गरीब, ऐसे जगह बना देना चाहिए विद्यालय जहाँ की रोड नहीं है, पढ़ने में लोग असमर्थ रहता है, वह गरीब एरिया में वह बनाना ही जरूरी होता है। तो आपके यहाँ जो हम कदना में बनाया, तो वहाँ कोई तरह के भिन्न भिन्न तरह के रोड था, वह धूरा उड़ता था, एरिया छटा हुआ था, तो वहाँ हमने कदना में कॉलेज बनाया, और कॉलेज बनाने के बाद भेल्दी में भी बनाया। भेल्दी में बनाने के बाद यह आपको यह सरया में आश्रम बनाया। बाबा एक बात बताइए, घर से मतलब क्यों छोड़े थे घर, कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ था, हम सब माँ, हमारी तीन बहन और तीन भाई थे, सबसे छोटे हम थे। हमारे पिताजी बहुत बचपन में गुजर गए, जो हम अपने पिताजी को नहीं जानते थे कि किस रंग का थे और कितना लंबा थे, इनाटा थे, यह भी नहीं देखे हैं। यानी हमारी नहोशी में हमारी पिताजी का शरीर छूट गया था, तो हमारी माँ थी, माँ ने हमको जानता ही है जो छोट लड़के माता पिता के बहुत प्रिय होता है, तो बहुत प्रिय हमने माता को प्रिय थी, 24 घंटा हमको सौरे रखती थी और यही कहती थी ये भाला के साथ रहना, तो भाला के जौरे रहब तो खैब बीड़ा पान आ बुरा संगे रहब तो कटैब दोनों कान, यही हमको रात में समझाती थी। तो हमने एक दिन हमारी माँ ने कही ये भाई भौजाई तो किसी का होता नहीं है, हमने हमारी जब मर हम शरीर छूट जाएगा, हम मर जाएंगे तो तुमको दिक्कत होगा, इसलिए कुछ जुगा करना चाहिए, अब
घूमता है, खाली गाने बजाने में रहता है। हमारे के यहाँ आता है, हम खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन यह सुख तो हमारे मर जाने के बाद नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ करना धरना जरूरी है। नहीं पढ़ा लिखा हम इतना थी कि दुलार का मारे तुम कुम्हारा नहीं तो तुम ऐसे रह गया, तो इसलिए अब कुछ करो धरो करने के लिए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 8 रोज में चेत जाएंगे। हमको माँ ने कहे कि कुछ चेत हो, तो हमने उनसे कहा कि 8 दिन में चेतेंगे। तो 8 दिन में चेते उसको संदेह हो गया जे काथी चेतेगा, भाग जाएगा क्या। तो हमको कहा जे काहे ऐसे बोला है, हम ये ऐसा ही बोला है, तुम्हें कही है जे 8 दिन चेतना, तो 8 दिन में चेतेंगे तभी न ठीक होगा। तो कहा जे ठीक है, तुम चेतेगा तो कहीं भागना मत, नहीं कमाओगे तो तुम्हारे जिंदगी पार कर देंगे हम। तुम्हारे जिंदगी भर के लिए कुछ है जो तुम्हारा जिंदगी पार हो जाएगा, तुम ही को कुछ दे देंगे, आओ बेटा बेटी को नहीं कुछ देंगे। लेकिन हमने बर्दाश्त अच्छी हुआ, हम चल दिया, घर छोड़ दिया। आ छोड़ दिया तो 6 साल तक कोई पता चला नहीं कहाँ हम थे। हमारे घर वाले को, हमारे माँ को कोई पता नहीं था। 6 साल के बाद जब हम अपने घर आए तो हमारी माँ बहुत जोर बीमार थी। वह हम ही को नाम लेती थी, हमारी नाम शिव पूजन था। जन्मभूमि पर माता पिता नाम हमारी शिव पूजन रखा था, तो वह हमारी नामे लेकर रात दिन नाम लेती थी। जब हम आए घर पर तो 22 दिन खाना उना खाए हुए हो गया था। हमारे आने के बाद 4 दिन के बाद उसकी शरीर छूट गया, तो उसकी भरासी में मंजिल माटी किए। और भाई थे, भाई अपना मंजिल माटी सब उहक किया, आग भाई सब दिया, दाह क्रिया सब भाई दिया, भंडारा उंडारा सब भाई किया। हमने वहाँ थे और उसके बाद तो फिर वहाँ से फिरार हो गए, वो जन्मभूमि से फिरार हो गए। अब तो कहीं इतने नतीज हैं। अच्छा बाबा एक बात पूछे हैं। पूछो। आज पूछ रहे हैं कि जैसे सांप काटे रहता है तो उसको आप ठीक कैसे कर देते हैं? वो भगवान की कृपा है, सांप काटे हम नहीं ठीक करते हैं, वह सब भगवान करते हैं। अब कैसे ठीक होता है, यानी 95% हमारे भी ठीक होता है, 99% वह कैसे ठीक होता है वो भगवान जाने। वो हम क्या बता सकते हैं, हमने उसकी आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से तो तुम पूरे भारत में देखा नहीं होगा। अच्छा हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बाबा एक ऐसे हैं, पूरे एरिया में इनका नाम इसलिए मशहूर है कि अगर सांप किसी को काट ले तो कहीं हॉस्पिटल में जाने से पहले बाबा के पास आते हैं और ठीक होकर हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं। चलिए बाबा आपको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपने बारे में बताएं, और आपसे हम आशीर्वाद चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हाँ आपको आशीर्वाद है, धर्म का प्रचार करो, TV खूब चलाओ, हम महात्माओं को आशीर्वाद लेना, हम महात्माओं के बारे में भी या प्रचार करना, गौ के बारे में प्रचार करना, यही तो अच्छा धर्म है। 5वा क्लास तक पढ़े, कोई कारण था जो नहीं पढ़े, यानी बचपन में पढ़ने जाते थे, हमारे पढ़ाने वाले जो थे हम ही को फंस के पीट देता था, तो हमने जीत कर लिया जी अब पढ़ना ठीक नहीं है, अब चलो भगवान के नाम लेना। तो हम फिर भी अपना पढ़ने के लिए कुछ दिन काशी में पढ़ा, काशी में कुछ दिन हमने रहा, मध्वाचार्य का भीड़ी देवराहा बाबा के आदेश से देवराहे बाबा बताए थे जे जाके वहीं पढ़ लेना, तो कुछ पढ़ते थे, लेकिन शरीर में जानता है तामस है, वह उम्र जो होता है वह 10-25 होता है, और जब 15-20 वर्ष ऐसी कि 18-20 वर्ष के 25 वर्ष तक ले शरीर में वह तामस रहता है, वह अच्छा काम निमन नहीं लगता है,
जितना इधर उधर काम हो काम फालतू वही ठीक लगता है, तो इसलिए हमने वहाँ से भी छोड़ दिया और छोड़ कर अपना इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। तो वही है कि जो हमने हमारे लाखों का जीवन हमने विद्वान बना दिया, लेकिन हम ही सीताराम हैं।